वेलकम चिल्ड्रेन इन एक्टिव एजुकेशन क्लास। आज इस क्लास में, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हो, आज हम लोग इस क्लास में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज ए पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मींस रिडॉक्स रिएक्शन। आप लोग ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जान चुके हो, तो आज इस क्लास में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, बिफोर स्टार्ट टू रीड, प्लीज़ आप लोग एक लाइक और कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसे लग रहा है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। चलते हैं इस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की तरफ। अगर इसमें है, ये एक रिएक्शन हमने लिखा है जिसमें मर्क्यूरी क्लोराइड का फोटोलाइसिस हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोलाइसिस? फोटोलाइसिस मीन्स इसका डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो इट इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड। इस प्रोसेस में मर्क्यूरी क्लोराइड टू पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, वन इज मर्करी एंड अदर इज मर्क्यूरस क्लोराइड। अब इसमें हम लोग सबका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानेंगे। इन मर्क्यूरी क्लोराइड, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 एंड मर्करी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। जब ये डिकम्पोज हो रहा है तब मर्करी का, ओनली मर्करी का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 एंड मर्क्यूरस क्लोराइड में मर्करी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जबकि मर्करी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 में कन्वर्ट हो जा रहा है और -1 में भी +2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल्स का कोई एटम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आफ्टर रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्या बोले, व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? जब कोई एटम्स किसी मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस केस में मर्करी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया, सो इसलिए इसको बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। अब हम लोग एक दूसरे रिएक्शन देख लेते हैं। उसी तरह से H2O2 जब डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होकर वो H2O एंड O2 में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें H2O2 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसमें O का H2O में O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और ओनली O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, H2O2 में ऑक्सीजन एटम टू डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट हो गया, तो -2 एंड 0। तो जब वो -2 में कन्वर्ट हुआ, -2 और 0 में कन्वर्ट हुआ, दैट मींस वो टू टाइप्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गया, सो इट इज आल्सो अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? जब कोई एटम्स किसी मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है आइदर 2 और मोर देन 2, देन इट इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना हो गया, 3। तो मिनिमम किसी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट का मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चिल्ड्रेन, आई थिंक ये क्लास आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।